बाइबल खोल ली सबने कितने लोग रेडी हैं बाइबल खोल के फिलिपियों की पत्री में कितने लोग रेडी हैं लिफ्ट अप योर बाइबल ऊंचे उठा दो ठीक है जी वेरी गुड आज हम पहला अध्याय कवर करेंगे उसमें बहुत कुछ है और हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन उसमें से हमें क्या सिखाता है ये पत्री पोलूस ने लिखी पोलूस कौन है परमेश्वर का जन है जो परमेश्वर का विरोधी था परमेश्वर का यीशु मसीह से नफरत करता था कलीसिया से नफरत करता था मसीहियों से नफरत करता था इन फैक्ट वो मसीहियों को मारता था उनका विरोध करता था और जैसे आज हो भी रहा है पूरी दुनिया में वो ऐसा आदमी था लेकिन फिर एक बार वो जा रहा था कलीसिया का विरोध करने के लिए लेकिन रास्ते में उसे येसु मसीह ने हू दर्शन दिए ये यीशु मसीह के मर मर्क, मर के जीवित हो जाने के बाद की कहानी है जब कलिसिया फैल रही थी और ये आदमी कलिसिया को रोकता था कलिसिया को बंद करना चाहता था प्रभु के काम को रोकना चाहता था तो फिर एक दिन इसका यीशु मसीह से आमना सामना हुआ प्रभु ने उसको दर्शन दिए और ये अंधा हो गया उसके बाद प्रभु ने इसकी आंखें खोली और प्रभु ने इसको नियुक्त किया कि तू पहले मेरा विरोध करता था लेकिन अब तू मेरे लिए प्रचार करेगा और उसको प्रभु ने जिम्मेदारी सौंपी शुरुआत में तो वो यहूदियों के बीच में प्रचार करता था लेकिन बाद में परमेश्वर ने उसको जिम्मेदारी दी कि वो गैर यहूदियों में जेंटाइल्स में गैर यहूदियों में यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार प्रचार करे और वहां जाए जहां यीशु मसीह का नाम अब तक नहीं पहुंचाए तो ये उसका काम था और फिलिपे आ, फिलिपे नगर में फिलिपा नगर में कलिसिया की स्थापना में पॉलुस का बहुत बड़ा हाथ था उसी ने इस कलिसिया की शुरुआत होने में बहुत बड़ा योगदान दिया था लेकिन अब यीशु मसीह के के मर जीवित होकर स्वर्ग में चले जाने के बाद लगभग लगभग पैंतीस वर्ष हो चुके हैं और जब इतने तीस सा, पैंतीस साल हो गए यीशु मसीह को स्वर्ग में गए इतने साल में ये मसीह का नाम बहुत फैल चुका है लेकिन इत, अब तक पोलुस जो है ये मसीह की खातिर बहुत बड़ा बहुत बड़ा आ, क्या बोलते बहुत बड़ी सेवकाई उसने करी लेकिन वो जेल में है उसे जेल में डाल दिया गया क्योंकि वो यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहा था अब वो रोम में एक प्रिजन में है एक जेल में है बंदी गृह में है और वहां से फिलिपे नाम के नगर के विश्वासियों को चर्च के लोगों को क्या लिखता है एक लेटर लिखता है एक पत्री लिखता है और उस पत्री में वो जो कुछ कहता है उस पर हम एक अध्ययन शुरू करेंगे जिसका मैंने नाम दिया है कि धरती के दुखों में स्वर्ग का आनंद दुख कहाँ के हैं धरती हम सब धरती पे रहते हैं कितने लोगों ने जिंदगी में कभी ना कभी कोई दुख उठाया है हम सब इनफैक्ट फैक्ट हमें से बहुत लोग दुख में जी रहे हैं एंड इट्स अ फैक्ट ये सच्चाई है कि हम दुख में जी रहे हैं चिंता में जी रहे हैं हम उस बात पर विश्वास नहीं करते अगर आप करते हो तो ये चर्च में आके आपको कभी मजा नहीं आएगा हम इस बात पर यकीन करते हैं कि धरती पर यीशु मसीह का नाम लेकर एक विश्वासी के रूप में जीवन जीने का जो पुकार है जो बुलाहट है वो अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चलने की बुलाहट है और क्रूस का मतलब दुख होता है और यदि हम प्रभु के पीछे चले हैं तो हां हमारे पाप क्षमा हुए हैं हाँ वो जिंदगी में चमत्कार करता है हां वो प्रार्थनाओं का उत्तर देता है लेकिन हमें हमारे शेयर का दुख भी उठाना पड़ेगा इसको हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते कि प्रभु ऐसा क्यों होता है बट हम ब्रॉडली दो बातें कह सकते हैं मुख्य रूप से दो बातों को हम कह सकते हैं कि दुख मसीहियों के जीवन में भी इसलिए आते हैं क्योंकि मसीही लोग भी एक गिरी हुई दुनिया एक पापों में डूबी हुई दुनिया में जीते हैं एक टूटी हुई दुनिया का हम भाग हैं और इसलिए इस टूटी हुई दुनिया का टूटापन विश्वासियों की जिंदगी में भी आता है दुख हम अन्याय हमारे साथ भी होता है बीमार हम भी होते हैं कैंसर ट्यूमर हमको भी हो जाता है अन्याय हमारे साथ भी हो जाता है विश्वासी लोगों को भी अपने जीवन का दुख उठाना होगा परमेश्वर उन दुखों में से निकालता है और इसमें खुदा की महिमा हो तो पहली बात यह है कि मसीहियों की जिंदगी में दुख आते हैं क्योंकि मसीही लोग भी एक टूटी हुई दुनिया में पापों के कारण गिरी बिखरी हुई टूटी हुई दुनिया का भाग हैं और यीशु मसीह दुनिया में आकर के उसने हमारे पापों का निपटारा तो कर दिया पापों की माफी का, का काम तो कर दिया लेकिन दुनिया का नया हो जाना इनफैक्ट सब कुछ नष्ट करके एक नई दुनिया का बन जाना अभी बाकी है इसलिए मसीहियों को भी अपने जीवन में दुख सहना पड़ता है दूसरी बात परमेश्वर हमारे दुखों हमारे जीवन में दुखों को आने की अनुमति देता है क्योंकि वो हमारे दुखों के द्वारा हमें शुद्ध करता है हमें सिद्ध करता है परमेश्वर के हाथ में दुख एक सैंक्टिफाइंग टूल के बराबर है परमेश्वर के हाथ में हमारे जीवन में आने वाले दुख हमें सीधा और सही करने वाले और सिद्ध करने वाले और शुद्ध करने वाले और पवित्र करने वाले टूल टूल समझते हैं क्या होता है औजार परमेश्वर हमारे जीवन के दुखों को हमें सुधारने के लिए औजार के रूप में इस्तेमाल करता है इसलिए जब दुख आए तो जैसे हम बाइबल में सीखते हैं कि जब तुम्हारी जिंदगी में चुनौतियां परेशानियां आती हैं तो धीरज रखो विश्वास रखो और उसको अपना पूरा काम करने दो क्योंकि प्रभु तुम्हें ठीक कर रहा है लेकिन इस पत्री से, पत्री से से हम ये सीखते हैं कि धरती के दुखों में स्वर्ग का आनंद कैसे ले सकते हैं जो पॉलुस खुद ले रहा था बाय द वे पॉलुस परमेश्वर का दर्शन यीशु मसीह को देख चुका है पोलूस यीशु मसीह का दर्शन कर चुका है लेकिन पॉलुस के उसने ऐसा लिखता है कि हमारी तो ऐसी हालत थी हमारे पास खाने तक को नहीं था हम अधमरे से हो गए थे वो कहता है लोगों ने हमें त्याग दिया लोगों ने हमें बुरा भला कहा ये पॉलुस का अनुभव है और अब यीशु मसीह की सेवा करके कहा पहुंचा पोलूस यीशु मसीह की सेवा करके कहा पहुंच गया जेल में पहुंच गया मेरे प्रियो आप भी

आकर के कुछ अनाप शनाप बोल सकते हैं आप में से कितने हैं जो ठहरे रहेंगे और जो कोई डर के बरास्तान भैया बच्चों को लेके निकलो यहाँ से अगले संडे देखेंगे ऑनलाइन देख लेंगे सेफ है आपका तब चुनाव क्या होगा आपका तब रिस्पॉन्स क्या होगा आप क्या कदम उठाएंगे अगर इस समय कोई आ जाए बंद करो यीशु मसीह की आराधना यीशु मसीह पे तुम विश्वास नहीं कर सकते तो आप क्या बोलेंगे क्या आप डटे रहेंगे क्या उनके सामने आप अपना मुंह खोलकर बोल सकते हैं कि हमें इस बात की आजादी है हम किसके ऊपर विश्वास करें यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं यह हमारा फैसला है और हमें कोई रोक नहीं सकता क्या आपके अंदर मेरे अंदर यह बोलने की हिम्मत होगी पॉलुस खुद जेल में है आप भी मैं भी हमारे विश्वास की खातिर जेल में जा सकते हैं क्योंकि इस देश के नियम ऐसे बनाए जा रहे हैं कि अगर हम सही कर रहे हैं तो भी वो हमें गलत साबित कर सकते हैं इस प्रकार के नियम बनाए जा रहे हैं तो अगर पॉलुस जा सकता है जेल में प्रभु की खातिर तो हम भी जा सकते हैं या फिर कोई ना कोई दुख हमारी जिंदगी में आ सकता है लेकिन उन दुखों में क्या हम स्वर्ग का आनंद पा सकते हैं कि नहीं पॉलुस भी जेल से पत्री लिखता है जेल से वो उसको छुड़ाने की अपील नहीं लिखता मुझे यहां से बाहर निकालो वो वो अपील नहीं लिखता वो अपने कलीसिया के लोगों को पत्री लिखता है और उनको प्रभु के बारे में और सिखाता है उसको बड़ा आनंद है जेल में अभी हम देखेंगे इस बात को वो बड़े आनंद के साथ जेल के अंदर प्रभु का काम कर रहा है और ये जो फिलिपियों की पत्री का जो पूरा नाम हमने दिया है वो है धरती के दुखों में स्वर्ग का आनंद और उसका पहला भाग आज हम देखेंगे और वो है स्थानीय कलिसिया का सुंदर जीवन लोकल चर्च ये आपका कौन सा है कौन सा चर्च है ये ये आपका लोकल चर्च है ये आपका स्थानीय कलिसिया है आपकी हम सब यीशु मसीह की विश्वीय कलिसिया दुनिया भर में फैली हुई कलिसिया का भाग है लेकिन परमेश्वर ने आपको रखा कहां पर है यीशु नाम सत्संग डीबीएफ गुड़गांव में रखा है ये आपकी ये आपका चर्च है ये आपका लोकल चर्च है परमेश्वर ने आपको यहां रखा है और ये कलिसिया का जीवन कलिसिया के जीवन की जो खूबसूरती है उसके बारे में हम आज पहले अध्याय में से आज हम देखेंगे बहुत सारी बातें हम इसमें देखते हैं और सबसे पहली बात हम जो देखते हैं वो ये है कलीसिया का अगुवापन एक से अधिक लोगों के पास होना चाहिए आप अपनी बाइबल में से फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय का पहला पद पढ़ो मसीह यीशु के दास पौलुस और तिमोथियस की ओर से बस मसीह यीशु के दास कितने लोग ये पत्री लिख रहे हैं मसीह यीशु के दास पौलुस और तिमोथियस दो लोग हैं वैसे तो मुख्य ऑथर जो है वो पौलुस है लेकिन बाइबल हमें इस बात को सिखाती है कि कलीसिया के जो लीडर होते हैं ना वो एक ही आदमी अकेला पास्टर अगवा लीडर नहीं हो सकता बाइबल बताती है कि एक से अधिक लीडर कलीसिया में होने चाहिए कलीसिया के जो पास्टर हैं ठीक है पास्टर एक होता है लेकिन हम हम इस बात को देखते हैं कि एक से अधिक लोग चर्च को चलाने चाहिए इस चर्च का पास्टर कौन है पास्टर जॉय लेकिन क्या पास्टर जॉय अकेला इस चर्च को चलाता है बिल्कुल नहीं हमारे चर्च में हमारे पास सेवा करने की एक टीम है लेकिन एल्डर्स के रूप में, एल्डर्स के रूप में हमारे साथ स्वप्निल भैया हैं पास्टर सोनू हैं पास्टर मनोवा हैं तीन लोग हैं मेरे साथ कुल मिलाकर कितने लीडर हुए चार इस कलीसिया को चार पास्टर लोग मिलकर चलाते हैं एक पास्टर नहीं एक पास्टर लीडर है लीडर्स का लीडर है लेकिन कलीसिया को चलाने के लिए कितने लोग हैं चार लोग हैं आत्मिक अगुवाई एक से अधिक के पास होनी चाहिए आज आप यूट्यूब पे जो नाटक देखते हो जो प्रभु के नाम से जो नाटक हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं क्योंकि एक आदमी उन्होंने चुन लिया उसके वो अपॉसल बन गया वो प्रॉफिट बन गया वो बहुत बड़ा पास्टर बन गया उसको लोग प्रणाम करते हैं उसके कोई उससे सवाल नहीं पूछ सकता वो मैन ऑफ गॉड है वो परमेश्वर का दास है कोई उससे सवाल नहीं पूछ सकता इससे होता क्या है कलीसिया के अंदर भ्रष्टाचार और पाप आ जाता है क्योंकि अगर एक आदमी अकेला लीडर बनेगा उसके अंदर उस लीडरशिप का इतना गुरूर और घमंड आ जाएगा कि वो अपनी पदवी के घमंड के कारण परमेश्वर यीशु मसीह जैसी नम्रता को नहीं रखेगा वो सबका राजा बनना चाहता है इसलिए कलीसिया के अंदर जो लीडर्स होते हैं वो एक से अधिक होने चाहिए इनफैक्ट फैक्ट यहां पर जो लिखा है शब्द के मसी के यीशु दास और तिमोथियस तिमोस मसी के दास इंग्लिश में लिखा है सर्वेंट्स आपको पता है जो शब्द है ना यूनानी भाषा में ओरिजिनल भाषा में जो ये पत्री लिखी गई वहां पर जो शब्द है दास के लिए वो शब्द है ड्यू लॉस लेकिन अगर एक से अधिक मोर देन वन अगर एक से ज्यादा है तो उस वो ड्यू लॉस जो है वो ड्यू लॉय बन जाता है मतलब एक से अधिक है तो वो कहता है कि परमेश्वर के दास एक ही दास नहीं है कलीसिया में कितने हैं दो हैं मतलब एक से अधिक है यहां पर पत्री भी पौलुस के साथ कौन है? कोई है पॉलुस के साथ पॉलुस अपनी पूरी सेवकाई में अकेला नहीं जाता था किसी ना किसी को साथ रखता था मिलजुल कर वो सेवा यीशु मसीह जब इस धरती पे था उसने बारह चेलों को लिया उनके साथ मिलकर वो सारी सेवा करता था बाइबल सिखाती है कि जिन कलीसियाओं में अगवे नहीं है लिखा है उन कलीसियाओं में अगवों को स्थापित करो एक को नहीं एक से अधिक दो लोग कम से कम होने चाहिए कलीसिया की अगुवाई आप कभी भी अगर गुड़गांव छोड़ के कहीं जाते हो किसी चर्च में जाते हो अगर आपने देखा कि इस चर्च का सारा जो बॉस एक ही है तो समझ लो वहां खतरा है वो आदमी शायद बुरा नहीं होगा जहां पर एक ही पास्टर राजा बन गया चर्च का ना वो खतरा है वहां पर वो आदमी अच्छा होगा लेकिन क्योंकि वो अकेला राजा बन गया अकेला ही लीडर बन गया शैतान उसको पकड़ लेगा और उसे घमंडी बना देगा और वो सबके ऊपर शासन करने लगेगा उसको लगेगा कि उसके उससे बड़ा पास्टर कोई है ही नहीं उसको लगेगा उससे अच्छा प्रचार कोई कर ही नहीं सकता उसको लगता उसी की प्रार्थना से बीमारी बीमार चंगे होंगे उसको लगता है उसी के पास बाइबल का असली प्रकाशन है नॉलेज है ज्ञान है पास्टर लोग भी पाप कर सकते हैं इसीलिए कलीसिया की अगुवाई मिलजुल कर एक से अधिक लोग मिल करते हैं इस समय इस कलीसिया में चार पास्टर्स हैं चार एल्डर्स हैं चार लीडर हैं आत्मिक अगुवे चार हैं आपको पता है कि मैंने ए, कुछ समय के बाद मैं सत्संग के पास्टर के रूप में तो नहीं रहूंगा लेकिन कलीसिया के दास के एक एल्डर के रूप में मेरी सेवाएं जारी रहेंगी जिस प्रकार पास्टर सोनू मुझे आदेश देंगे उस प्रकार कलीसिया की जहां जहां सेवा वो मुझसे मांगेंगे मैं करूंगा प्रतिबद्ध हैं हम लोग अभी नीचे एक मीटिंग हो रही थी किसी किसी मुद्दे को लेकर के मैं अकेला नहीं बैठा उस मीटिंग में मैं उस भाई से बात उस व्यक्ति से बात कर सकता था अकेला बट मैंने चार दिन पहले अपने एल्डर्स को लिखा पास्टर सोनू को लिखा पास्टर मनोवा को लिखा भाई स्वप्निल को लिखा और कहा कि हमें इस मीटिंग में को करना है हम चारों बैठे हैं उस मीटिंग को करने के लिए और हम चारों मिलकर उस बात का फैसला लेंगे एक आदमी नहीं लेगा कितनों को समझ में आ गया अब तक हम क्या सीखते हैं कि कलीसिया का अगुवापन कलीसिया की लीडरशिप एक से अधिक आदमी के पास होनी चाहिए अगली बात हम हम क्या सीखते हैं कि कलीसिया के अगुवे मसीह और कलीसिया के लोगों के दास अथवा गुलाम होते हैं मसीह यीशु के दास दास बस पोलोस और तिमोथियोस क्या बोलते हैं हम मसीह यीशु के दास हैं फिर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो दास के लिए जो ओरिजिनल भाषा में जो शब्द है वो शब्द यहां पे जो इस्तेमाल किया गया है वो ड्यू लॉस एक गुलाम भी नहीं है ड्यू लॉय मतलब एक से अधिक हैं। और हम दोनों प्रभु के दास हैं देखो वो ये भी नहीं कह रहा मैं बड़ा दास हूं मेरा मेरा चेला है है छोटा छोटा दास बिग गुलाम छोटा गुलाम वो ये भी नहीं कह रहा वी आर सेम हूँ हम सेम हैं परमेश्वर के दास हैं हम मैं भी यीशु मसीह का गुलाम हूं आपका गुलाम हूं तिमोथियस जो मेरा बेटा है एक्चुअली आत्मा में मेरा बेटा है मेरा चेला है एक तरीके से मैंने इसको वचन सिखाया मैंने इसको बढ़ाया मैं इसको एक लीडर के रूप में खड़ा कर रहा हूं लेकिन ये मेरे साथ प्रभु का दास है मैं यहां पर ये भी कहूंगा कि कुछ समय के बाद जब मैं इस चर्च का मुख्य पास्टर ना रहूंगा केवल एक दास के रूप में एक एल्डर के रूप में यहां आपके साथ मिलकर चर्च की सेवा करूंगा मेरी बात कौन आ रहा है मेरे स्थान पे कौन आ रहा है पास्टर सोनू ओ पास्टर सोनू वो तो पास्टर जॉय की बात अलग है तो ये शैतान का थॉट है आपके अंदर अगर आप पास्टर सोनू को वही इज्जत नहीं दे सकते जो आपने मुझे दी तो समस्या प्रॉब्लम आपके अंदर है क्योंकि वो भी मेरे साथ कौन है परमेश्वर का दास है fact, जब पास्टर पास्टर सोनू इस चर्च के पास्टर बन जाएंगे ना तो मैं पास्टर सोनू की अधीनता में आ जाऊंगा वो मेरे पास्टर होंगे और मुझे उनकी आज्ञा माननी है अगर वो मुझे फोन करते हैं कि जॉय भैया क्या आप बुधवार की प्रार्थना ले सकते हो तो मेरा मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं जो भी कर रहा हूं छोड़कर अपने पास्टर की आज्ञा मानू हम सब परमेश्वर के दास हैं मैं सोनू पास्टर से बड़ा इसलिए हूं क्योंकि मैं धरती पे उनसे पहले पैदा हुआ दैट्स ऑल उम्र का फर्क और कुछ नहीं है मैं पहले आ गया वो मेरे बाद में आए दैट्स इट मुख्य बात क्या है वो भी यीशु मसीह का प्रचार करते हैं मैं भी यीशु मसीह का प्रचार करता हूँ इनफैक्ट मैं ये जानता हूँ मुझे इस बात का आश्वासन है मैं प्रार्थना कर रहा हूँ मैं विश्वास करता हूँ इस बात के ऊपर कि मेरे बात जब पास्टर सोनू मेरे काम को संभालेंगे तो कलीसिया जैसी अब है बेहतर हो जाएगी वो और कलीसिया और बढ़ेगी और फैलेगी और अच्छा काम होगा परमेश्वर का पुराना मौसम जब तक जाएगा नहीं नए मौसम का आनंद नहीं लेंगे समथिंग न्यू हैज टू हैपन परमेश्वर करेगा हम विश्वास करेंगे परमेश्वर करेगा पर हम परमेश्वर के दास हैं कलीसिया के अगवे मसीह और कलिसिया कलीसिया के लोगों के दास होते हैं और यहाँ पर जो शब्द है दास ये हमने ना ये YouTube की वजह से परमेश्वर का दास परमेश्वर का दास हमने दास शब्द को बहुत हाई फाई बना दिया है लेकिन एक्चुअल में दास शब्द का मतलब क्या है ग़ुलाम हम लोग यीशु मसीह के क्या हैं पास्टर सोनू पास्टर मनोवा भाई भाई स्वप्निल और मैं हम लोग क्या हैं यीशु मसीह के गुलाम हैं सिर्फ यीशु मसीह के गुलाम नहीं है हम आप लोगों के भी ग़ुलाम हैं क्योंकि हम जिसके गुलाम होते हैं ना हम उसकी सेवा करते हैं परमेश्वर ने यहाँ पे हमें आप लोगों की सेवा करने के लिए रखा है आपको परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए रखा है आपको सही रास्ता दिखाने के लिए रखा है आपकी आपको वचन सिखाने के लिए आपकी काउंसलिंग करने के लिए और जहां जहां जरूरी है वहां पर हम एक अलग प्रकार के दास हैं जिनके पास डांटने का भी अधिक अधिकार है परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है आत्माओं को संभालने की लोगों को संभालने की पर मुख्य रूप से हम आपके दास हैं हम आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर सकते हम आपके ऊपर शासन नहीं कर सकते हम आपकी सेवा करते हैं बाइबल सिखाती है अपने अगुओं की इज्जत करो नए नियम में कम से कम तीन जगह पे लिखा है स्पष्ट रूप से लिखा है ऑनर टीच गॉड्स वर्ड टू यू जो आपको परमेश्वर का वचन सिखाते हैं उनका ऑनर करो उनका आदर करो ऐसे बाइबल सिखाती है बट सुनो वो तो आपकी जिम्मेदारी है हमारा आदर करना क्योंकि हम आपको परमेश्वर का वचन सिखाते हैं ये ये बाइबल का कमांड आपके लिए है बट हमारे लिए कमांड क्या है हम आपकी सेवा करें और हमें यहाँ पर खड़े होकर सेवा इस काम के लिए नहीं करना चाहिए अच्छा मैं पास्टर बन जाता हूँ क्योंकि ना बहुत मज़ा आता है लोग बहुत आदर देते हैं घर जाओ तो लोग सौ दो सौ भी दे देते हैं लोग खाना खिलाते हैं कुछ भी हो जाए तो हमें पहले याद किया बड़ा अच्छा लग लोग हमको पूछते हैं यार अच्छा लगता है इट्स अ गुड फीलिंग अगर उसके लिए हम पास्टर बनते हैं तो फिर हम पाप कर रहे हैं हमारा काम है आपकी सेवा करना आपका काम है हमारे साथ मिलकर कलीसिया को आगे बढ़ाना कलीसिया की सेवा करना और आपका काम है कि आप तीसरी बात कलीसिया के लोग परमेश्वर के पवित्र जन होते हैं पढ़ो प्लीज पढ़ो मसीह यशु के दास पोलोस और तिमोस की ओर से और से मसीह में उन सब पवित्र लोगों को हाँ जो अध्यक्षों और सेवकों सहित फिलिपी में रहते हैं ओके, okay. और की ओर से जो परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के पवित्र लोगों को हम पत्री लिख रहे हैं फिलिपाई के चर्च के लोग कैसे लोग हैं उनको पॉलुस क्या बोलता है तुम लोग कैसे लोग हो पवित्र लोग हो कभी कभी हम हमने क्या किया है दुनिया ने क्या कर दिया है पास्टर्स और चर्च के लोगों के बीच में इतना बड़ा अंतर इतना बड़ा इतनी बड़ी इतना बड़ा फासला कर दिया गया है कि इस प्रकार प्रतीत होता है कि पास्टर पवित्र है लोग तो ऐसे ही हैं लोग नहीं है पवित्र पास्टर पवित्र है बाइबल उल्टा ही बता रही है बाइबल क्या कहती है पर, परमेश्वर के दास वो भी पवित्र हैं क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं लेकिन परमेश्वर के दास पॉलुस और तिमोथियस की ओर से चर्च के लोग उनको क्या लोग कहा गया है पवित्र लोग आप लोग पवित्र लोग हो जब आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया उसके पहले पवित्र नहीं थे पापी थे, और पापी स्वभाव आज भी है। लेकिन यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया उसने अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दिया हमारे पाप माफ कर दिए हमारे सारे श्रापों को मिटा लिया इसकी वजह से अब हम प्रभु की नजर में कैसे हैं पवित्र हैं आपको पता क्यों क्योंकि जब प्रभु हमें देखता है हमारे सामने कौन खड़ा है जब जब पिता परमेश्वर हमें देखता है तो हमारे सामने वो पहले किसको देखता है यीशु मसीह को देखता है हम यीशु मसीह के पीछे खड़े हैं और यीशु कैसा है पवित्र, पवित्र है तो इसलिए हम भी कैसे दिखते हैं परमेश्वर को पवित्र, पवित्र। आप पवित्र लोग हो मेरे प्रियो। लोिया प्रभु को ताली बजा के धन्यवाद दे सकते हैं <laughs> कि आप पवित्र लोग हैं परमेश्वर की नजर में आप पवित्र लोग हैं पर अब ये जान लो पवित्र का मतलब क्या होता है जो पवित्र शब्द है उसका अर्थ हमने पता क्या बना दिया सफेद कपड़े पहनने वाला हाथ में माला लेकर जपने वाला नंगे पाओ तीर्थ यात्रा करने वाला नॉन वेज ना खाने वाला यही है पवित्र की परिभाषा दुनिया में सादे कपड़े पहनता है सफेद कपड़े पहनता है हाथ में माला जपता है नंगे पाओ यात्राएं करता है और केवल शाकाहारी भोजन खाता है ये आदमी कैसा आदमी है पवित्र ये हमारी सोच है लेकिन बाइबल के अंदर जब हम होली पवित्र शब्द समझते हैं उसका अर्थ कुछ और है वो पता क्या है उसका मतलब है अलग कर लिए जाना जब परमेश्वर आपको पवित्र कहता है इसका मतलब परमेश्वर ने आपको दुनिया की भीड़ से अलग कर लिया apart, अलग कर लिया है इसका उदाहरण मैं ये देता हूं शुरू से हमारे घर में नहाने का पानी कपड़े धोने का पानी बर्तन धोने का पानी सफाई करने का पानी एक होता है लेकिन जो पानी हम पीते हैं वो अलग रखा जाता है उसी प्रकार दुनिया में बहुत से लोग हैं लेकिन जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो पवित्र जन है अर्थात वो दुनिया की भीड़ से अलग कर लिए गए हैं परमेश्वर के कामों को करने के लिए वी आर सेट अपार्ट बाय फॉर गॉड्स वर्क परमेश्वर ने हमें अलग कर लिया है अपने कामों के लिए समझ में आ रहा कि नहीं आ गया अब हमें सोचना है क्या हमारा जीवन ऐसा है कि हम अलग दिखते हैं हम दुनिया से अलग इनफैक्ट पवित्र आ, जो, जो शब्द है होली जो शब्द है पवित्र उसका मतलब यह भी है जिनको सिद्ध किया जा रहा है जो सिद्ध किए गए हैं जो शुद्ध किए जा रहे हैं उसका मतलब यह भी है संत बाइबल के अंदर जो होली वर्ड है उसका मतलब यह भी है संत आप संत हैं हमने संत का दर्जा किसको दिया बाबाओं को या मसीही समाज में इंडिया में मसीही समाज में पादरियों को संत कहा जाता है बहुत जगह पर हम संत हैं मैं मैं संत जॉय हूं लेकिन उतना ही संत जॉय हूं जितना ये संत आइजक है और संत अमित है और संत अनीता है हाले लोहिया हम सब प्रभु में संत हैं क्योंकि हम अलग कर लिए गए हैं पवित्र का मतलब संत का मतलब जो अलग कर लिया गया है मेरे प्रियो परमेश्वर ने आपको अलग कर लिया है दुनिया से आप अपना जीवन और मैं अपना जीवन शायद ऐसा नहीं जी रहे कि हमें लेख हमें देख कर लोग बोले ये तो अलग है यार इसका तो सोच विचार अलग है इसकी तो बात करने का तरीका अलग है इसके तो जीवन में चुनाव देखो ये ये एकदम सही चुनाव करता है अपने जीवन में इसके जीवन में हमने कभी झूठ नहीं देखा वो आपकी जिम्मेदारी है कि क्या, क्या आप अलग दिखते हो आपका चाल चलन उठना बैठना दुनिया में आपके जो रिश्तेदारियां ने भाना दोस्तियाँ ने भाना फंक्शंस करना ये सब कुछ में क्या आप अलग दिखते हो कि नहीं इज़ वो आप आपकी प्रॉब्लम है आप देखो लेकिन बाइबल की जिम्मेदारी आपके ऊपर ये है अगर आप पवित्र हो मतलब आप अलग किए गए हो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताइए कि आपको समझ में आ रहा है आ रहा है समझ में सो so, कलीसिया के लोग परमेश्वर के पवित्र जन होते हैं इसीलिए पत्रस भी कहता है पहले पत्रस में के उसने यीशु मसीह का आदेश याद दिलवाया वचन में और कहा कि परमेश्वर कहता है पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ हालेलुया हमें दुनिया से अलग होना है चौथी बात जो हम सीखते हैं कलिसिया की देह उसके लोगों सेवादारों और अगुओं से बनती है कलीसिया जो जो कलीसिया है चर्च है ये हमारा यीशु नाम सत्संग चर्च है ये तीन प्रकार के लोगों से बना है आपको समझ में आ रहा है ये तीन प्रकार के लोगों से बना है कोई भी लोकल चर्च हो कोई भी चर्च हो उसमें तीन प्रकार के लोग होते हैं सबसे पहले उस कलीसिया में जो आने वाले जो लोग हैं आप लोग हैं मेंबर्स। मेंबर्स, सारे बोलो मेंबर्स। मेंबर्स। ठीक है दूसरे हैं उस कलीसिया की आत्मिक अगुवाई करने वाले मतलब उस कलीसिया के एल्डर्स सारे बोलो एल्डर्स ओके okay? और तीसरे हैं डीकन्स।, डीकन्स कौन होते हैं जो जो प्रैक्टिकल चीजों में मदद करते हैं जैसे कि जब खाना बनता है मुझे बताओ कौन है एक आदमी हमारे चर्च में जो हमेशा खाने का काम हो बाहर खरीददारी का सामान खरीदना हो, मरम्मत करनी हो सजावट करनी हो कौन है एक आदमी जिसका नाम आप याद करते हो बोलो बोलो तपस भाई। इसका मतलब तपस भाई कौन है चर्च के है। तीन प्रकार के लोग होते हैं चर्च में एक तो चर्च के मेंबर्स दूसरा चर्च की ओवरसियर्स या बाइबल के अंदर बिशप पास्टर एल्डर ओवरसियर ये अलग अलग नहीं है एक ही शब्द है समझ में आ गया उसी को अलग अलग नाम दे दिया गया हम लोग ने ऐसा कर दिया एक आर्च बिशप होता है एक बिशप होता है एक सीनियर पास्टर होता है एक जूनियर पास्टर होता है एक माइनस पास्टर होता है ऐसे हम ये हमने बनाया हुआ है लेकिन बाइबल के अंदर एक ही शब्द है ठीक है तो एल्डर पास्टर बिशप ओवरसियर ये सब एक ही हैं समझ में आ रहा है आप सब लोगों को तीन प्रकार के लोगों से चर्च बनता है चर्च के मेंबर्स चर्च के एल्डर्स और चर्च के डीकंस जो प्रैक्टिकल कामों में मदद करते हैं हमने अब तक इन बातों को सीखा है पांचवी बात जो हम सीखते हैं ये बाय द वे हमने लिया कहाँ से वचन पढ़ो वन बी मसीह मैं उन सब पवित्र लोगों को जो अध्यक्षों और सेवकों सहित फिलिपी में रहते हैं हाँ, अध्यक्ष और सेवक सहित पवित्र लोग अध्यक्ष मतलब पास्टर लोग और से सेवकों हाँ सेवकों के साथ मतलब डीकन लोग उनके साथ मिलकर जो फिलिपाई में रहते हैं तो अब समझ में आ गया तीन प्रकार के लोग होते हैं चर्च के अंदर पांचवी बात जो हम देखते हैं सामने देखिए कलीसिया के अगुओं को हमेशा लोगों को आशीष देनी चाहिए उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और मेहनत के साथ उनकी सेवा करनी चाहिए अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई स्वप्निल पास्टर मनोवा पास्टर सोनू पास्टर जॉय अगर लगातार अगर आप लोगों के पास्टर्स हैं तो हमारी जिम्मेदारी क्या है हम आपको आशीष दें, हम आपके लिए प्रार्थना करें और आपकी कड़ी लगन से आप लोगों की सेवा करें मेहनत करनी है हमें आप लोगों की सेवा करने के लिए देखिए ये दो में क्या कहता है हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। हाँ देखो क्या लोगों को क्या दे रहे हैं अनुग्रह और शांति दे रहे हैं मतलब लोगों को ब्लेस कर रहे हैं लोगों को आशीष दे रहे हैं इसके बाद हम देखते हैं तीन और चार में क्या हो रहा है जब कभी मैं तुम्हें स्मरण करता हूँ अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ वो पौलुस जो है और तिमोथियस जो है कलीसिया के लोगों को क्या कर रहे हैं स्मरण कर रहे हैं मतलब याद कर रहे हैं हमारा हमारे हमारी जो जिम्मेदारी है इनफैक्ट केवल हम चारों की नहीं लेकिन हमारे साथ जो कलीसिया में और चार लोग जो सेवा करते हैं इस समय कौन है वो अमित भाई तपस भाई निहाल भाई और अन्ना बहन और कुछ समय के बाद पासो सोनू वापस आ रहे हैं सुबानी बहन यहाँ पे हैं कुल मिलाकर के टोटल हमारा काम क्या है हम आप लोगों को सदा याद रखें और यदि आप हमसे पूछें हम जब हम जब तकरीबन हर रोज बात करते हैं कलीसिया के लोगों की बात करते हैं कलीसिया के लोगों को हम याद करते हैं जब रात को ये जब आप लोगों को विजिट करते हैं आपके घरों में आते हैं मेरे पास सारी फोटोज आपके साथ फोटो खिंचवाते हैं लोग क्यों खिंचवाते हैं शेयर करते हैं आज हम इनके घर में गए ये बात हुई इस घर में यह समस्या चल रही है हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम आप लोगों को याद रखें तो वो कहता है कि मैं तुम लोगों को याद करता हूं उसके बाद तथा आनंद के साथ तुम्हारे लिए सदा प्रार्थना प्रार्थना करता हूं हमारी जिम्मेदारी कलीसिया के पास्टरों की क्या जिम्मेदारी है कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करें अब यहां पे एक शब्द है किसी ने सुना प्रार्थना किस तरह से हो रही है बोलो 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 जो ध्यान से सुन रहे थे आनंद के साथ अब मेरी तरफ देखो सारे पोलूस कहां बैठा है इस समय जेल में बट उसकी प्रार्थना में क्या है आनंद है अगर हम जेल में होंगे मैं सोचता हूं क्या हमारे अंदर आनंद होगा कुछ तो यही कुड़कुड़ा रहे होंगे हमने तो अच्छा बपतिस्मा लिया और कुछ लोग प्रार्थना कर रहे होंगे लेकिन आनंद नहीं होगा प्रभु जल्दी यहां से निकाल आनंद होगा क्या पॉलूस जेल में है लेकिन आनंद के साथ लोगों को पत्री लिखता है क्योंकि वो इस बात का आनंद मना रहा है कि देखो प्रभु के लोग जो हैं विश्वास में बढ़ रहे हैं इनफैक्ट इस अध्याय में समय की खातिर मैं थोड़ा जंप करूंगा फटाफट बताऊंगा आपको इस, पत, इस पहले अध्याय में वो बड़े आनंद के साथ पत्री लिखता है क्योंकि लोग विश्वास में बढ़ रहे हैं फिर वो ये भी कहता है मैं जेल में हूं लेकिन कहता है बहुत अच्छा हो रहा है जेल में क्योंकि यहां पर जेल में सबको पता चल गया यीशु मसीह के बारे में क्योंकि लोग मेरे से पूछते हैं भाई मैंने तो खून किया मैंने मर्डर चोरी की मैंने किसी को मार दिया मैंने अपनी बीवी के साथ गलत किया ब्ला, ब्ला, ब्ला। तूने क्या गलत काम किया तो वो क्या बोलता है मैंने येु मसीह के नाम का प्रचार किया तो वो कहता है मैं इसलिए वो किस बात का आनंद मना रहा है जेल में सबको फ्री में हालया जिस काम के लिए पुलिस ने उसको बाहर से पकड़ा वो काम वो अंदर कर रहा है हाला और सबको पता चल गया यीशु मसीह के बारे में इसके लिए वो आनंदित है और वो ये भी कहता है जेल के अंदर सबको पता चल गया यीशु मसीह के बारे में और मैं जेल में हूँ उसके कारण जो मेरे भाई लोग जो जेल के बाहर हैं वो भी जोश के साथ यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहे हैं यहाँ पर भी वो आनंद मना रहा है एक और समस्या हो रही है कुछ लोग पॉलुस पास्टर है सेवक है लेकिन उसकी उसको पसंद नहीं करते जितने लोग सेवकाई में विशेष रूप से आगे बढ़ के काम कर रहे हैं तपस अमित निहाल अन्ना सोनू सुबानी मनोवा मैं सबको बोलता हूं अपने आप को बोलता हूं अगर हम सेवा में हैं तो कलीसिया के ही कुछ लोग होंगे या मसीही लोग होंगे जो किसी और कलीसिया में जाते हैं जो आपसे नफरत करेंगे मैं जानता हूं मुझे इस समय मेरे विरोधी कौन है मैं जानता हूं मैं अच्छे से जानता हूं खुदा की दया से बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन चार पांच हैं जो मेरी मेरे जो खुश नहीं है मुझे देखकर और मेरे जीवन में कुछ दुख होता है तो उनको खुशी मचती होगी मुझे पता है पॉलस की जिंदगी में भी ऐसा था पॉलस की लाइफ में भी ऐसा था पॉलस जेल में है तो वो और खुश हो गए अब पॉलस तो जेल में है अब वो बन गए बड़े पास्टर बाहर खुशी हो रही है कि पॉलस जेल में है अब हम बनेंगे पास्टर हमारा नाम होगा तो देखिए पोलुस क्या कहता है अमित जोर से पढ़ना पंद्रह से सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं कुछ तो ईर्षा और द्वेष के कारण मसीह का प्रचार करते हैं परंतु कुछ सद्भाव से वे जो प्रेम से प्रचार करते हैं जानते हैं कि मैं सुसमाचार की रक्षा के लिए ठहराया गया हूँ अन्य लोग तो भले उद्देश्य से नहीं परंतु अपनी स्वार्थ में अभिलाषा से ये सोचकर मसीह का प्रचार करते हैं कि बंदी गृह में मेरे लिए कलेश उत्पन्न करें हाँ मुझे और दुख होना चाहिए मतलब कुछ लोग कितनों को समझ में आ रहा है पोलुस जेल में है कुछ लोग पोलुस को पसंद नहीं करते लेकिन अब वो पास्टर बनने चले और कर रहे हैं प्रचार इस बात के लिए उनको लगता है कि अब अब ना ना बहुत मजा आएगा पौलुस को पौलुस, तेरे लोग ना हमारे चर्च में आते हैं पोलूस तू तो जेल में चला गया देख अब तेरे लोग हमारे चर्च में आ रहे हैं पोलूस तूने वहां वहां जाके चर्च स्थापना किया देख पोलुस हम भी हैं हम भी चर्च स्थापना कर रहे हैं हम भी ट्रैवल कर रहे हैं हम भी यहां वहां हम भी बहुत बड़े प्रचारक बन गए हैं पॉलुस कहता है कुछ लोग इस भावना से मुझे दुख पहुंचाने के लिए मेरे साथ विरोध की भावना से प्रचार करते हैं कहता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो सद्भावना से अच्छी भावना से यीशु मसी के नाम का प्रचार करते हैं पर देखो वो आगे क्या कहता है तो क्या हुआ हाँ क्या बोलता है देखो सारे इधर क्या बोलता है वो तो क्या हुआ सुनो आगे केवल यह कि चाहे कपट से चाहे सच्चाई से चाहे कपट से चाहे सच्चाई से मसीह का प्रचार मसीह का प्रचार हो रहा है सब प्रकार से होता है हाँ। इस कारण मैं आनंदित हूं इस कारण मैं आनंदित हूं अब बताओ पॉल उस कहां बैठा है जेल में लेकिन वो खुशी कित, कितनी बातों की खुशी मना रहा है प्रभु के लोग विश्वास में बढ़ रहे हैं जेल में लोगों के लोगों को पता चल रहा है यीशु मसीह के बारे में जेल के बाहर जो उसके सद्भावना वाले लोग हैं वो और जोश के साथ प्रचार कर रहे हैं और जो पॉलूस को नफरत करते हैं वो भी यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहे हैं चाहे वो पॉलुस को नफरत करें लेकिन वो यीशु का तो प्रचार कर रहे हैं इसमें वो खुशी मना रहा है हले इसलिए मेरे प्रियो यही है हेवनली जॉय इन अर्थली अफ्लिक्शन धरती पर तो हमें बहुत दुख है सेवा कर रहे हैं लेकिन हमको बहुत दुख है लेकिन इन दुखों में हम स्वर्ग का आनंद ले सकते हैं दुखों में स्वर्ग का आनंद तब आएगा जब हम हमारी समस्या को सामने से नहीं देखेंगे लेकिन थोड़ा ऊपर उठकर परमेश्वर की नजरिए से देखेंगे समझ में आया कि नहीं आया दुखों के अंदर स्वर्ग का आनंद तब मिलेगा जब हम हमारे दुख को हमारी समस्या को हमारी परेशानी को सामने से नहीं परंतु कहां से देखेंगे थोड़ा सा ऊपर उठकर आत्मिक नजरिए से स्वर्ग के नजरिए से परमेश्वर के नजरिए से इस प्रकार अगर देखेंगे तो हमारा दुख हमें दुख नहीं लगेगा या हमारे दुख को झेलने के लिए प्रभु हमें ताकत दे देगा हालेलुया जिस प्रकार यीशु मसीह जब क्रूस उठा रहा था तो शिमोन नाम का आदमी था जिसको भेजा गया कि वो यीशु मसीह की मदद करे मेरे प्रिय उसी प्रकार जब हम हमारा दुख उठाकर प्रभु की ओर चलते हैं प्रभु हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को भेज देता है जो हमारा दुख उठाने के लिए हमारे क्रूज को उठाने में हमारी मदद करते हैं प्रभु पे भरोसा रखें मैं अनुभव से कह सकता हूँ इस समय मैं और सपना एक दुख में से होके गुज़र रहे हैं और वो दुख हमारी बेटी की स्वास्थ्य है हम इस दुख में से होके गुज़र रहे हैं बट हम किस प्रकार इसको झेल रहे हैं इसलिए नहीं क्योंकि मैं और सपना बड़े मजबूत हैं हम नहीं हैं मजबूत कोई भी मजबूत नहीं है हरियाणा दो साल की हो गई है इकतीस तारीख को उसको दो साल हो जाएंगे मुझसे पूछो कि दो साल की बेटी अपने बाप को पहचानती भी नहीं है क्योंकि ये उसकी प्रॉब्लम है उसको नहीं पता कि ये मेरे पापा हैं ये मेरे लिए दुख है पर मैं इस मैं और सपना जब बात करते हैं हम डेली बात करते हैं हमें एक बात से हिम्मत मिलती है पता क्या हम अपनी समस्या को कोशिश करते हैं बहुत बार हम भी आपकी तरह इंसान है देख लेते हैं प्रॉब्लम को वैसे लेकिन हम एक दूसरे को याद दिलाते हैं सपना जॉय क्या करना चाहिए हम परमेश्वर के नज़रिए से इस प्रॉब्लम को देखें परमेश्वर सिंहासन पे है और हमारा भरोसा उस परमेश्वर पे है हाल इसलिए मेरे प्रियो अपनी समस्याओं को कभी भी सुलझाने के लिए अपना पूरा दिमाग मेहनत लगाने की जरूरत नहीं है अवर जॉब इज नॉट टू अंडरस्टैंड अवर जॉब इज टू ट्रस्ट एंड बिलीव हमारी जिम्मेदारी यह नहीं कि हम सब कुछ समझें हमें समझ में आ जाए अच्छा यहाँ प्रॉब्लम है चलो ठीक करते हैं हम अपनी समस्याओं का निवारण निपटारा उसको सुलझा अपने आप अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते और ना ही हमारी जिम्मेदारी है कि हमें सब कुछ पता हो आई शुड नो एवरीथिंग सब कुछ जानना नहीं है आपका काम भरोसा करना आपका काम है वहां पर परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दिखाता है और हम जान रहे हैं कि वो दुनिया वो दिन आने वाला है वो दिन आने वाला है जब दुनिया में कोई भी दुख नहीं होगा हाल स्वर्ग के दुखों में धरती के दुखों में स्वर्ग का आनंद कहाँ से आता है अपनी प्रॉब्लम को सामने से देखना है या कहाँ से देखना है थोड़ा ऊपर उठकर आत्मिक नजरिए से परमेश्वर के नजरिए से अपनी प्रॉब्लम को देखना है सामने से नहीं देखना है। कितनों को समझ में आ रहा है प्रभु बात कर रहा है ओके okay, तो कलीसिया के अगवों को हमेशा लोगों को आशीष देनी चाहिए उनके लिए प्राथमिक प्रार्थना करनी चाहिए हम देखते हैं चौथे पद में वो कहता है मेरी सारी प्रार्थनाओं में मैं आनंद के साथ तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं हले और उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और यहाँ पे हम इस बात को भी देखते हैं कि वो परमेश्वर के लोगों से बहुत प्रेम करता है देखिए वचन वचन। में में आ जाओ। तुम्हारे विषय ऐसा विचार करना मेरे लिए उचित है, क्योंकि तुम मेरे मन में बसे हो तुम मेरे मन में बसे हो इसलिए कि तुम सब मेरी कैद में सुसमाचार की रक्षा और उसके पुष्टिकरण में मेरे साथ अनुग्रह के सहभागी हो और आठ में देखो परमेश्वर इस बात में मेरा साक्षी है कि मैं मसीह यीशु के प्रेम से तुम सब के लिए कितनी लालसा करता हूं मैं मेरे दिल में अफेक्शन है प्रभु के प्रेम से मैं तुम्हारे लिए मेरे मन में एक लालसा है कलीसिया के पास्टर अपने लोगों से प्रेम करते हैं कलीसिया के लोग हमेशा नहीं समझते कि हम लोगों से प्रेम करते हैं और मैं जानता हूं कि आप में से जो ऑनलाइन सुन रहे हैं या जो बाद में सुनेंगे जो यहाँ बैठे हैं शायद आपको लगा है कि हमने मैंने पास्टर मनोवा ने पास्टर सोनू ने भाई स्वप्निल ने शायद आपको उस तरह से प्रेम नहीं किया पहली बात हम आपसे प्रेम करते हैं दूसरी बात हम कभी भी आपसे उस तरह से प्रेम नहीं कर सकते जैसा परमेश्वर आपसे प्रेम करता है लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने हमें आपके पास्टर्स के रूप में ठहराया है हमारे दिल में आपके लिए एक भावना है जैसे पॉलुस्त क्या कहता है मेरे दिल में तुम्हारे लिए अफेक्शन है एक गहरी एक गहरा प्रेम है तुम लोगों के प्रति और ये पास्टर्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों से प्रेम करें उनके लिए प्रार्थना करें और उनके लिए मेहनत करें 25 में देखो मेहनत करनी है उनको लोगों लोग विश्वास में बढ़े इसके लिए उनको मेहनत करनी है 25 में क्या बोलता है तुम विश्वास में तुम्हारे साथ में मेहनत करूंगा तुम्हारे बीच में काम करूंगा लगातार करा रहूंगा वो कहता है मेरा एक्चुअली ऊपर वो ये कह रहा है मेरा मन कर रहा है कि मैं मर्क में, मैं मर के स्वर्ग चला जाऊं क्योंकि पॉलोस बहुत दुखों में है रियली वो कहता है मैंने बहुत सेवा कर ली अब मेरा मन कर रहा है मुझे प्रभु बुला ले और पोलुस के दुख को हम एक प्रकार से इसलिए भी समझ सकते हैं क्योंकि पॉलिस ने शादी नहीं की अकेला था वो उसने प्रभु की खातिर शादी नहीं की अब वो बुजुर्ग भी हो रहा है बहुत उसने दौड़ भाग कर ली है अब जेल में पड़ा है और प्रभु से उसकी ऐसी लगन है उसका मन कर रहा है प्रभु बस में मैं तेरे पास आ जाऊं पर वो ये कह रहा है मेरे लिए बड़ा मुश्किल है मैं मरने की इच्छा रखूं या मैं धरती पर रहूं अभी और कुछ देर पर वो क्या बोलता है मैं धरती पर और जीना चाहता हूं क्योंकि मैं तुम लोगों की सेवा करना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम अपने विश्वास में और उन्नति करो और आनंद में और बढ़ते जाओ ऐसे लिखा है पढ़ो दोबारा से अमित भाई इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है मैं जानता हूं कि मैं जीवित जीवित रहूंगा परंतु सबके साथ रहूंगा तुम सबके साथ रहूंगा जिससे तुम विश्वास में दृढ़ जिससे कि तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ मेरे प्रियो पास्टर्स की जिम्मेदारी है कि आप लोगों को विश्वास में बढ़ते हुए देखें ये पास्टर्स की प्रार्थना है और यही पास्टर्स की प्रयास है हमारा हमारी प्रार्थना और हमारा प्रयास इसी बात के लिए रहता है जब अमित चर्च में नया नया जुड़ा था अमित और निहाल दोनों दो महीने के बाद मैंने इन लोगों से बात की फ़ोन पर आप रजोकरी गए थे मैंने फ़ोन पे अमित कैसा लग रहा है भैया बहुत दुख होता है जब लोग नहीं सुनते हैं भैया बहुत दुख होता है जब लोग चर्च नहीं आते भैया बहुत दुख होता है हमें जब नौजवान हमारी बात नहीं सुनते भैया जब लोग बहाना मारते हैं जब लोग गलत काम करते हैं भैया बहुत दुख होता है मैंने बोला अमित ये दुख सहने वाला जीवन है आप सेवा करो और चर्च के लोग कभी भी पूरी तरह से सुधरेंगे नहीं बार बार वही गलती करेंगे यही तुम्हारी बुलाहट है तैयार हो अमित तैयार हो सेवा करना भी एक क्रूस उठाने के समान है पॉलुस भी तो वही कर रहा है ना वो चाहता कि दृढ़ बने कमजोर है कुछ लोग दृढ़ बनो मजबूत बनो विश्वास में बने रहो चर्च मत छोड़ो प्रार्थना करना मत छोड़ो ये पास्टर्स की जिम्मेदारी होती है कलीसिया के अगवों को हमेशा लोगों को आशीष देनी चाहिए उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उनके लिए कड़ी मेहनत के साथ उनको सेवा करनी चाहिए इनफैक्ट वो क्या प्रार्थना कर रहा है मैं फटाफट बताऊंगा नौ और दस में हम इसको देखते हैं एक बार नौ और दस फटाफट पढ़ दो पड़ा पड़ा। सब लोग पढ़ेंगे मिलके एक साथ अमित माइक में पढ़ेंगे वन टू थ्री सब पढ़े नौ और दस मेरी प्रार्थना यही है कि तुम्हारा प्रेम सच्चे ज्ञान और पूर्ण समझ सहित निरंतर बढ़ता जाए जिससे कि तुम उन बातों को जो सर्वोत्तम है अपना लो और मसीह के दिन तक पूर्णता सच्चे और निर्दोष बने रहो धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा हाँ। प्राप्त होता है बहुत कुछ है इसके पता है एक पूरा प्रचार कर सकता हूँ एक घंटे का इस नौ दस ग्यारह तीन पदों में वो वो क्या प्रार्थना कर रहा है सुन रहे हैं आप लोग पास्टर्स और मैं पास्टर सोनू पास्टर मनोवा भाई स्वप्निल और अमित तपस निहाल अम्मा अम्मा अम्म ही है वैसे हम सबकी वो अन्ना बहन और अ, अन्ना और सुहानी बहन पता आप लोगों के लिए क्या प्रार्थना करते हैं नौ दस ग्यारह में हम देखते हैं दिस इज माई प्रेयर और वो पहली प्रार्थना क्या करता है कि प्रभु के लोग प्रेम और ज्ञान में बढ़े हम जब आपके लिए प्रार्थना करते हैं डेली प्रार्थना करते हैं क्या प्रार्थना करते हैं प्रभु विश्वास में ये लोग बने रहे और वो प्रार्थना करता है प्रेम में आपसी प्रेम में बढ़े प्रभु के ज्ञान में बढ़े बुद्धि और समझ में बढ़े दूसरी वो क्या प्रार्थना करता है डिसर्न व्हाट इज बेस्ट बुद्धि और ज्ञान में बढ़ने के द्वारा आप लोगों को पता चल जाए आपको जिंदगी में क्या फैसला लेना चाहिए यू मे डिसर्न तुम जान लो तुम्हें क्या कदम उठाना है अपने बच्चों की शादी कहां करनी है अपने बच्चों की पढ़ाई कहां करवानी है घर में यह समस्या हो रही है और वो इसके चाचा ऐसे बोल रहे हैं उनको क्या जवाब देना है अलग अलग फैसले हमें यहां पर प्लॉट खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए हमें अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाई करवानी चाहिए हमारा बच्चा इस प्रकार इस गलत आदत में पढ़ रहा है हम इसको किस प्रकार इसको हम सही करें अलग अलग जीवन में जो फैसले हमें लेने पड़ते हैं जब तक प्रभु के ज्ञान और बुद्धि और समझ में नहीं बढ़ोगे जिंदगी में सही फैसले नहीं ले पाओगे और इसीलिए वो ये प्रार्थना कर रहा है आई प्रे मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम तुम प्रेम में बढ़ते जाओ परमेश्वर के ज्ञान बुद्धि और समझ में बढ़ते जाओ ताकि तुम्हें पता चल जाए कि सही क्या है क्या करना चाहिए जीवन के इस मुकाम पर अपने जीवन के इस दुविधा की घड़ी पर वॉट डिसीजन आई शुड टेक मुझे क्या फैसला करना चाहिए कब पता चलेगा मेरे प्रियो अगर जीवन में लगातार परमेश्वर के वचन को सुनोगे पढ़ोगे उस पर चलोगे तब पता चलेगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे इस पर्टिकुलर इस समस्या में मैं क्या फैसला लूं प्रभु आपको बुद्धि देगा और इस बात की वो प्रार्थना कर रहा है तीसरा कि तुम शुद्ध और पवित्र रहो निर्दोष रहो यीशु मसीह के वापस आने तक पवित्र जीवन जियो पाप मत करो गलत संगति को मत मत पकड़ो फोन के ऊपर गलत काम मत करो गलत संबंधों में मत पढ़ो अपने पति और पत्नी के साथ वफादार रहो नौजवान जिसको जो लड़का लड़की प्रभु को नहीं जानता उसके साथ एक प्रेम संबंध में आने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जीवन बर्बाद हो जाएगा यह है पवित्रता का जीवन झूठ मत बोलो ऑफिस के अंदर झूठ मत बोलो मेहनत के साथ काम करो ये प्रार्थना कर रहा है और फिर लास्ट में क्या प्रार्थना कर रहा है धार्मिकता के फलों से लबालब रहो मतलब भले कार्यों में अपना जीवन भर दो बिता दो अपना जीवन भले कार्यों में दूसरों के लिए जीना शुरू कर दो ये है उसकी प्रार्थना दिस इज हिज प्रेयर और हम चारों अगवे और ये सारे जो जो सह अगवे हैं हमारे साथ आपके लिए इसी बात की प्रार्थना करते हैं आपके साथ जब बातचीत करते हैं यही इनका प्रयास होता है कि आपकी मदद करें कि आप सही जीवन जियो परमेश्वर की महिमा वाला जीवन जियो अब मैंने आपको पांच बातें बता दी हैं कलीसिया के अगवों के बारे में पहली बात कौन सी है पढ़ के बता दो कलिसिया के अगवे एक नहीं होना चाहिए एक से अधिक वरना एक क्या बन जाएगा राजा बन जाएगा और घमंडी हो जाएगा पाप में गिर जाएगा और आपको खुदा का वचन नहीं सिखा पाएगा आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा कि okay, दूसरी बात क्या है कि कलिसिया के जो अगवे हैं कलिसिया के क्या है गुलाम है कोई पासर नहीं बोलेगा हम आपके गुलाम हैं फैक्ट है हम आपके गुलाम हैं तीसरा क्या है कलिसिया के लोग पवित्र जन हैं आजकल पास्टर यही पेश करेंगे हम हैं पवित्र भैया हमारे लिए कुर्सी लगाओ आप भी पवित्र हो मैं भी पवित्र हूं हम सब प्रभु में पवित्र हैं चौथी बात कलीसिया कलिसिया की देह लोगों से बनती है सेवादारों से और अगुओं से बनती है और पांचवी बात क्या सीखी कलिसिया के लोगों की जिम्मेदारी क्या है लोगों को आशीष देनी है उनके लिए प्रार्थना करनी है और उनकी आत्मिक दृढ़ता के लिए लगन से कड़ी लगन से सेवा और मेहनत करनी है हमारी बात तो हो गई अब आपकी बात कर लें। अब कलीसिया में हैं, हैं, है, उनकी बात तो कर ली। आपकी बात कर लें। आपकी भी कुछ जिम्मेदारी होगी कि नहीं अब मजा आएगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं ठीक है ओके कलीसिया के लोगों को सुसमाचार का सहभागी होना चाहिए इनफैक्ट पार्टनर लिखा है सुसमाचार के काम में परमेश्वर की सेवा के काम में मेरे प्रियो आपको पार्टनर बनना है अभी हमने देखा था ना कि पॉलूस बहुत आनंद से भरपूर है चौथा पद देखो बताता हूं वो उसको आनंद क्यों आ रहा है इतना चौथी बात पढ़ो चौथा वर्ष पढ़ो तथा आनंद के साथ तुम्हारे लिए सदा प्रार्थना करता, करता हूं हुँ। हुँ। ओके अभी तक देखो सारे पोलूस जेल में है बोलो हान जी आनंद में है आनंद में है कि नहीं ओके अब पांच में देखो आनंद में क्यों है क्योंकि पहले ही दिन से आज तक हाँ? तुम सुसमाचार में मेरे सहभागी हाँ, रहे हो पॉलुस का आनंद कहा से आ रहा है क्योंकि कलिसिया के लोग परमेश्वर की सेवा के काम में उसके क्या है सहभागी, सहभागी, सहभागी हैं पार्टनर हैं मेरे प्रियो हम लोग जो सेवा करते हैं हमारा सेवा में होना आनंद के साथ आप लोगों की सेवा करना सबसे पहले परमेश्वर पर निर्भर है हम परमेश्वर ने हमें बुलाया है हम आनंद के साथ आप लोगों की सेवा करेंगे लेकिन मैं ये भी कहूँगा और ये सच है और मैं दस ग्यारह साल के अनुभव से कहता हूँ कि आनंद के साथ अगर यहाँ के पास्टर्स ने अगर आप लोगों की सेवा करनी है वो आप पर भी निर्भर है मेरा आनंद पास्टर होने का मेरा आनंद सबसे पहले परमेश्वर पर निर्भर है पर दूसरा कलीसिया के लोगों के रिस्पांस पर भी निर्भर है अगर आप लोग हमारी नहीं सुनते अगर आप लोग आज्ञा नहीं मानते अगर आप अगर आप लोग सेवा के काम में हाथ नहीं बटाते अगर आप लोग चर्च में आकर भी लगातार संसारिक जीवन जीते हो अगर आप लोग परमेश्वर के राज्य के लिए कोई बोझ नहीं रखते हो अगर आप लोग परमेश्वर के राज्य इस धरती पर आने के लिए प्रार्थना नहीं करते हो मेरा आनंद कम है इनफैक्ट मेरा दुख बढ़ रहा है और होता है वो दुख हर पास्टर को होता है हम जब पास्टर्स मीटिंग में मिलते हैं सब पास्टर इसी बात का दुखड़ा रोते हैं कि चर्च के लोग उनकी सुनते नहीं पॉलुस को इस बात का आनंद है हैं पॉलुस की जिंदगी में ऐसे लोग हैं जैसा हमने देखा जो उसका विरोध करते हैं लेकिन वो आनंद में इस बात के लिए है कि चर्च के लोग उसके सहभागी हैं पार्टनर हैं सुसमाचार के काम में सेवा के काम में चर्च के काम में मिनिस्ट्री के काम में वो एक पार्टनर के साथ पॉलुस के साथ खड़े थे क्या आप लोग खड़े हो मेरे साथ यहाँ से आनंद आएगा अगर आप चाहते हो आगे भी पास्टर सोनू मेरे जाने के बाद जब मैं पास्टर नहीं रहूँगा सिर्फ एक एल्डर के तौर पे आप लोगों की सेवा करूँगा लेकिन जब पास्टर सोनू पास्टर के रूप में आ जाएंगे आनंद के साथ अगर वो सेवा करें वो परमेश्वर ने उनको बुलाया है उस पर निर्भर है लेकिन आप लोगों पर भी निर्भर है इसलिए उनकी सहभागिता करनी है उनके साथ मिलकर काम करना है उनके साथ उनका आदर करना है उनकी आज्ञा को मानना है अगर वो नहीं पूछ रहे तो आप पूछो उनसे कि भैया हम कैसे चर्च में मदद करें कैसे हेल्प करें आपकी आप पूछो उनके घर जाओ उनको फोन लगाओ उनको पूछो सुबानी बहन को फोन लगाओ कि हमें भी आगे बढ़ाओ सेवा के काम में हम आगे बढ़ना चाहते हैं बातचीत करो उन्हें अपने घर बुलाओ आप उनके घर जाओ सहभागिता बहुत जरूरी है विदाउट पार्टनरशिप जॉय इज रिड्यूस्ड अगर कलीसिया के लोग पार्टनरशिप नहीं देते हैं सेवा के काम में तो सेवा करने वालों का आनंद अधूरा हो जाता है समझ में आ रही मेरी बातें पॉलुस आनंद में है पर वो लोगों पर भी निर्भर है कि लोगों को कलीसिया के लोगों को सुसमाचार का सहभागी या कौन सा वर्ड मैंने इस्तेमाल किया क्या होना चाहिए पार्टनर क्या होना चाहिए पार्टनर, पार्टनर।, पार्टनर।, पार्टनर। आपको पार्टनर बनना है पास्टर सोनू का और कलीसिया के एल्डर्स का आपको पार्टनर बनना है अमित भाई का और निहाल का अब महिलाओं को पार्टनर बनना है सुबानी बहन का एक पास्टर की पत्नी के तौर पे जब वो महिलाओं की सेवा की अगुवाई करती है अन्ना बहन के साथ मिलकर इन दोनों के साथ पार्टनरशिप करनी है आपने जब वो आपको बुलाते हैं लेडीज मीटिंग के लिए आना है चर्च में समय निकालकर सहभागिता के साथ काम होगा इनफैक्ट आप 18 में क्या कह रहा था वो हमने देखा कि कुछ लोग उसका विरोध करते हैं पर वो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता यीशु मसीह के नाम का प्रचार हो रहा है मैं बहुत खुश हूँ पर उसकी खुशी का एक और भी कारण है उन्नीस में देख लो पता चलेगा आ, मैं आनंदित हूँ और मैं आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा और आनंदित रहूंगा क्योंकि मैं ये जानता हूँ हाँ? कि तुम्हारी प्रार्थनाओं और यीशु मसीह के आत्मा की सहायता से हाँ बस 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 यहां पर वो आनंद किस बात से कर रहा है दो चीजों पे आनंद कर रहा है पहली बात कौन सी है तुम लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हो कलीसिया आप लोगों की जिम्मेदारी है हम चारों एल्डर्स के लिए प्रार्थना करना पता नहीं आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हो कि नहीं पोलूस के पास तो बड़ा अच्छा चर्च था हे प्रभु मुझे भी दे जो लोग हमारे लिए प्रार्थना करें बट मेरा सवाल है सीरियस सवाल पूछ रहा हूं आप लोगों से कितने दिन पहले आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की थी कितने दिन पहले आप लोगों ने पास्टर सोनू के लिए प्रार्थना की कितने दिन पहले आप लोगों ने अमित तपस निहाल और अन्ना बहन के लिए प्रार्थना की कब आपने भाई स्वप्निल के लिए प्रार्थना की आपकी भी जिम्मेदारी है यहाँ पर खड़े होके हम आपको बोलते हैं आओ हमारे पास हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे हमारे हाथों में कोई जादू नहीं है हम भी यीशु मसीह का नाम लेकर ही आपके लिए प्रार्थना करते हैं पर आपकी भी जिम्मेदारी है आप हमारे लिए प्रार्थना करो के लोगों को सुसमाचार का सहभागी होना चाहिए किस प्रकार हम सहभागी बन सकते मेरे प्रियो सबसे पहले सुसमाचार के साथ मेल खाता हुआ जीवन जियो इस बात को आप घर जाके पढ़ना सत्ताईस में लिखा हुआ है सुसमाचार के योग्य चाल चलन चलो अपने आप को विश्वासी प्रभु मसीही कहते हो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी मसीही कहते हो तो चाल चलन में नजर आए कि तुम, प्र, कि तुम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हो दूसरा विश्वास में बने रहो दृढ़ खड़े रहो मजबूत खड़े रहो वो कहता है जो लोग तुम्हें अपोज करते हैं तुम्हारा विरोध करते हैं तुम्हारे विश्वास के कारण तुम बने रहो दृढ़ बने रहो इनफैक्ट पढ़ लेते हैं सत्ताईस अट्ठाईस पढ़ापट पढ़। केवल इतना करो कि तुम्हारा आचरण मसीह के अनुसार मसी के सुसमाचार के योग्य हो जिससे चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं अथवा दूर रहूं मैं तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक आत्मा में सुसमाचार के विश्वास के लिए संघर्ष करते हो आपको सहभागी बनना है गॉस्पल का सुसमाचार का सहभागी बनना है ये करना पड़ेगा सबसे पहले अपने चाल चलन को अपने आचरण को सही करना पड़ेगा चर्च के बाहर अंदर तो ठीक ही होता है चर्च के बाहर आचरण ठीक करो घर परिवार में पति पत्नी आपस में प्रेम से जियो एक दूसरे को गाली ना निकाले एक दूसरे की इज्जत करें पति घर, घर के कामों में सहायता करे और पत्नी अपने पति का आदर करे उसकी अधीनता में रहे उसकी बुराई घर के बाहर ना करे अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाओ अपने बच्चों को डांट लगाओ आपके बच्चे पापी हैं वो पाप में जन्मे हैं सुंदर दिखते हैं चेहरा सुंदर है लेकिन अंदर से मरे हुए हैं पाप में पैदा हुए हैं और छोटी उम्र से उनको अगर डांट फटकार नहीं लगाओगे तो बड़े होकर आपको रोना है आपके बिगड़े हुए बच्चों की खातिर इसलिए अच्छे बाप बनो अच्छी मां बनो मेहनत करो काम चोरी मत करो मेहनत के साथ काम करो कभी भी किसी के साथ झूठ मत बोलो और गलत संगति से गलत लोगों से दिस इज गोइंग टू बी अ चॉइस ये आपको चॉइस करना पड़ेगा रोज रोज आपके सामने गलत करने का आपको मौका मिलेगा एवरी डे हर रोज मिलेगा मोबाइल से इंटरनेट पे गंदी चीजों को ना देखें पवित्र जीवन जीना है अपनी आंखों को पवित्र रखना है अपने हाथों को पवित्र पहले पहले अपना आचरण ठीक करो उसमें लिखा है वॉट एवर हैपन्स कंडक्ट योरसेल्फ इन अ मैनर वर्दी ऑफ द गॉस्पल चाहे लिखा है चाहे जो भी हो जाए चाहे कुछ हो जाए तुम्हारा आचरण तुम्हारा चाल चलन सुसमाचार के साथ मेल खाना चाहिए और दूसरा तुम तुम दृढ़ बने रहो एकता में एकता में आत्मा की एकता बनाए रखो पास्टर सोनू के आने के बाद चर्च में ऐसा नहीं होना चाहिए पास्टर जॉय अच्छा प्रचार करते थे वो ज्यादा प्यार करते थे इस प्रकार की बातों से कलीसिया में विभाजन आएगा और आप शैतान के हाथों में टूल बन जाओगे और वो आपको इस्तेमाल करेगा कलीसिया तोड़ने के लिए कंपेयर नहीं करना कभी भी प्रभु के चार दासों को कभी भी कंपेयर नहीं करना क्योंकि चारों के चारों अपने स्थान पर आपसे प्रेम करते हैं और अगर नहीं है विश्वास कि हम आपको प्रेम नहीं करते तो चले जाओ उस चर्च में जहां आपको प्रेम मिलता है कुड़कुड़ाकर यहां रहने की कोई जरूरत नहीं है स्टे हैप्पी खुश रहो पर अगर यहां पे हो तो भरोसा करो कि हम आपकी भलाई के लिए हैं आत्मा की एकता बनाए रखो और 28 में क्या लिखा है बेटा और विरोधी और विरोधियों से किसी प्रकार भयभीत नहीं होते विरोधियों है। से डरना नहीं है मेरे प्रियो विरोधी हैं आपके आप विश्वास करते हो प्रभु पर तो आपके विरोधी होंगे इस चर्च के विरोधी हैं आपको पता है इस चर्च के भी लोग विरोधी हैं जो इस चर्च को टूटता हुआ देखना चाहते हैं और जैसे मैंने कहा विरोधी आ सकते हैं चर्च के अंदर खड़े हो सकते हैं यहां पे और आपको रोक सकते हैं निकलो यहां से बंद करो कोई यहां पर मसीह की आराधना नहीं होगी तो कितने लोग खड़े रहेंगे लिखा है उनसे भयभीत नहीं होना यह है सहभागिता हेलो ये है, है पार्टनरशिप पार्टनरशिप सीधा काम करने से नहीं आती पहले पार्टनरशिप आचरण से शुरू होती है और उसके बाद उनतीस अब तो बहुत ही खतरनाक वाला वचन आने वाला आप बोलोगे ये तो बहुत ही खतरनाक है पढ़ो उनतीस में क्या लिखा है क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि तुम उस पर केवल विश्वास ही ना करो हाँ तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि तुम केवल उस पर विश्वास ना करो वरन उसके लिए कष्ट भी सहो उसके लिए कष्ट भी, भी सहो आप सोचो हम तो चर्च में कष्टों का निवारण के लिए आए थे हम तो चर्च में आए थे कष्ट दूर हो जाए वचन क्या बोलता है प्रभु ने तुमको चुना है ना केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए लेकिन यीशु मसीह की खातिर दुख कष्ट उठाने के लिए तुमको चुना है बपतिस्मा लेने वाले सोच लें बपतिस्मा लेना है कि नहीं मसीही जीवन ये है मसीही जीवन ये है खुद के तो कष्ट हैं सो हैं लेकिन प्रभु की खातिर भी कष्ट उठाना पड़ सकता है फैसला करना है प्रभु के वचन में बड़ी शक्ति है मैं इस बात पर विश्वास करता हूं महसूस भी कर रहा हूं कि प्रभु के वचन में बड़ी सामर्थ है बाय द वे सेवा कब करनी है पॉलुस कहता है तुम मेरे साथ सुसमाचार के काम में सहभागी थे पहले दिन से ऐसा लिखा है मतलब शुरुआत से आपको प्रभु के साथ काम करना है प्रभु के राज्य के लिए आपको काम करना है अब मैं आपको बताऊं कुछ तरीके किस प्रकार आप सहभागिता कर सकते हो प्रैक्टिकल तरीके से कलीसिया के अगवों के लिए प्रार्थना करें मेरे लिए पास्टर सोनू के लिए पास्टर मनोवा के लिए और भाई स्वप्निल के लिए और कलीसिया के सह अगुवे जो हमारे साथ अगुवाई करने में मदद करते हैं इनके लिए प्रार्थना करें सिद्ध नहीं है ये लोग और मैं भी सिद्ध नहीं हूं कमियां बहुत हैं अमित तपस निहाल अन्ना और सुबानी में मेरे अंदर भी बहुत हैं तभी तो प्रार्थना चाहिए ना तभी तो प्रार्थना चाहिए प्रार्थना करो कलिसिया के अगुओं के लिए इस प्रकार आप सहभागिता कर सकते हो दूसरा जैसे मैंने पहले देख लिया गॉस्पल सेंट्रिक लाइफ सुसमाचार दिखाने वाला जीवन मसीह की शक्ति सामर्थ प्रेम दिखाने वाला जीवन अपने परिवार में अपने पड़ोसियों के साथ और अपने काम करने के स्थान में और अपने रिश्तेदारों के बीच में मसीह को दिखाने वाला जीवन जियो मसीह प्रदर्शित हो जाए मसीह चमके मसीह नजर आए ऐसा जीवन जियो और तीसरा जो हमको बड़ा Uh, बड़ा मुश्किल लगता होगा बहुतों को लेकिन प्रभु के काम के लिए पैसा देना है गिविंग फॉर द वर्क ऑफ द गॉस्पल सुसमाचार के काम के लिए देना है कुर्बानी के साथ देना है परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की सेवा के लिए कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए पता है मैं और अमित पिछले चार पांच महीनों से शायद छह महीनों से हम इस बात को लेके कितने दुखी हैं कि ये जो कीबोर्ड है इसको आठ साल हो चले हैं आठ साल हो गए हैं ये अब ठीक से चलता नहीं है इसमें इंडियन बीट्स नहीं चलती हैं अमित के मैं रोज पीछे पड़ता हूँ अमित ये ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ कि नहीं हमें नया कीबोर्ड चाहिए हमारे पास नहीं है पैसे हम चला रहे हैं काम इससे कम से कम एक लाख रुपए का कीबोर्ड आएगा अगर हमें एक अच्छा कीबोर्ड चाहिए जिसमें हर तरह के साज बजें पैसा लगेगा हमारे पास नहीं है पैसा शायद आपको देख के लगता होगा बहुत पैसा है चर्च में आपको लगता होगा बहुत पैसा है चर्च में यहां बड़े अमीर लोग आते हैं देखो कितनी अच्छी बिल्डिंग है परसेप्शन इज नॉट रियालिटी जो हमें जो हमें लगता है वो सच नहीं होता देना सीखो प्रभु के काम के लिए देना सीखो शायद कुछ लोग पता नहीं अभी तक तो ईमानदारी से अपना दशवांश तक नहीं निकालते होंगे अगर बीस हजार घर की तनख्वाह है टोटल घर की इनकम बीस हजार है तो खुशी के साथ 2000 खुशी खुशी पता झूमते हुए चर्च में आना चाहिए 2000 जेब में लेकर आज मैं प्रभु के भवन में पैसा डालूंगा वो आनंद वो वो जो वो जो खुशी मिलती है खुदा के काम के लिए देकर क्या आप कर रहे हो सहभागिता की बात कर रहे हैं हम पार्टनरशिप की बात कर इट वॉन्ट हैपन विदाउट मनी प्रार्थना करो पहली जिम्मेदारी अच्छा जीवन जियो दूसरी जिम्मेदारी बट पैसा भी चाहिए और प्रार्थना करो प्रभु से कि प्रभु आपको ईमानदारी और खुशी और हर्ष के साथ देने वाला बनाए और कभी भी ये मत सोचो कि देना तो दूसरों की जिम्मेदारी है उनके मेरे पास तो कर्जे बहुत हैं मेरे पास तो जरूरतें बहुत हैं मैं दूंगा ना दो चार साल थोड़ा मैं ठीक हो जाऊँ तब दूंगा मेरे प्रियो कलीसिया के काम में अगर आपको सहभागिता देनी है तो आपको उसके लिए अपने पैसों को भी देना सीखना है पर मत देना अगर कुड़कुड़ाओगे मत देना अगर दुख होगा मत देना बिल्कुल मत देना अगर मन में दुख होगा हे मेरे 2000 हर महीने चर चले जाते हैं प्लीज डू नॉट गिव मत देना मेरे प्रियो डू नॉट गिव बट अगर मन में खुशी है मैं मेरे प्रभु का राज्य इस धरती पे आए उसके लिए पैसा भी चाहिए मैं दूंगा और फिर चाहे आप दशवांश ना दो सिर्फ पांच दो लेकिन आनंद के साथ दो पर मत भूलो अपने बजटिंग में कलीसिया को मत भूलो अपने बजट में अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में कलीसिया की ज़रूरतों को हमेशा याद रखना और प्रभु आपका कर्जदार नहीं रहेगा परमेश्वर देता है परमेश्वर पलट के देता है परमेश्वर हमें बढ़ बढ़ के प्रभु हमें देता है उसके बाद किस प्रकार से भाग्यता करें वर्ल्ड मिशंस के लिए प्रार्थना करें पूरे दुनिया में प्रभु का राज्य आए इस बात के लिए प्रार्थना करें और कंसिडर करें सोचें इसके बारे में एक पास्टर बनने के लिए एक सुसमाचार प्रचारक बनने के लिए एक मिशनरी बनने के लिए मसीही संस्था में काम करने के लिए सोचें जो लोग चर्च में काम नहीं करते लेकिन एक मसीही संस्था में काम करते हैं उनके बीच में एक ऑफिस में काम करना चाहे वो ऑफिस बॉय हो चाहे वो सफाई करने वाला हो खाना बनाने का काम हो बच्चों को पढ़ाने का काम हो ऑफिस में बैठ कर करने वाला काम हो ये सब कुछ परमेश्वर के राज्य के काम हैं सोचें इसके बारे में कि मुझे ना एक मुझे मसीही सेवा के अंदर काम करना है सोचें इसके बारे में क्योंकि जरूरत है ऐसे लोगों की जो सेवा करें और आखिरी बात मैं यहाँ समाप्त करूँगा कलीसिया के सदस्यों कलीसिया के सदस्य सुसमाचार के द्वारा परिपक्व होते जा रहे हैं और परिपक्व हो जाएंगे या फिर परमेश्वर ने आपके अंदर एक काम शुरू किया है और परमेश्वर उस काम को आपके अंदर पूरा करेगा छठे वचन को देखेंगे समाप्त करेंगे मुझे इस बात का निश्चय है कि जिसने तुम में भला कार्य आरंभ किया है लो मेरे प्रियो परमेश्वर ने आपके अंदर एक भला कार्य शुरू आपके अंदर आपको बदलने का काम आपको सही करने का काम आपको यीशु मसीह जैसा बनाने का काम शुरू किया है और वही उसे यीशु के दिन तक पूर्ण भी करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इस बात पर खुशी मनाओ आनंद मनाओ कि प्रभु ने आपको पकड़ लिया है प्रभु ने आपको चुन लिया है प्रभु ने आपके अंदर आपको बदलने का परिवर्तित करने का कार्य शुरू किया है मेरे प्रियो और वो उस काम को पूरा करेगा वो उसको अंजाम जरूर देगा हले मुझे इस बात से बड़ी खुशी होती है मेरे जीवन को लेके कि प्रभु मैं तो पापी हूँ कमजोर हूँ गलतियां कर देता हूँ उत्तेजना से बहुत बार काम करता हूँ जल्दबाजी कभी कभी बहुत कर देता हूँ हे परमेश्वर मैं ये जानता हूँ कि तूने मुझे चुन लिया है और तूने मुझे ठीक करने का जो अंडर आपको पता है बाइबल के अंदर जो शब्द है जो शुभ कार्य वो शब्द काम नहीं है वो एक्चुअल शब्द है अंडरटेकिंग पता है अंडरटेकिंग मीन्स हम एक लीगल कागज पे यू नो एफिडेविट्स बाइबल के अंदर जो शब्द लिखा है ना कि परमेश्वर ने आपको आपको सिद्ध और शुद्ध और यीशु मसीह जैसा बनाने का जो काम शुरू किया है एक तरह से एक, एक लीगल फैसला किया है मैं जॉय को यीशु मसीह जैसा बनाऊंगा अगर हम अगर हम साफ कागज पे लिखें उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती लेकिन अगर हम उस चीज का एफिडेविट बना दें तो वो उसकी बहुत वैल्यू हो जाती है परमेश्वर ने उसी प्रकार बड़े गंभीरता के साथ एक अंडरटेकिंग उठाई है एक बड़ा काम उठाया है जिसको वो पूरा करेगा और वो काम क्या है वो आपको यीशु मसीह जैसा बना देगा लोहिया राइट नाउ इस समय वो आपके अंदर काम कर रहा है परमेश्वर ने आपको रिडीम कर लिया पापों से छुड़ा लिया और अब वो आपको रिन्यू कर रहा है आपको नया कर रहा है और एक दिन आपको रेस्टोर कर देगा ठीक वैसा बहाल कर देगा जैसा उसने आपको आदम को बनाया था पाप करने से पहले या जैसा उसने यीशु मसीह को जैसा यीशु मसीह है वैसा हमको बना देगा गॉड इज एट वर्क विद इन यू आज आपके अंदर जो भी कमियां हैं कमजोरियां हैं गलतियां हैं गुनाह हैं बार बार एक छुप कर एक जिंदगी जीते हो सामने की जिंदगी कुछ और है छुप कर एक जो ज़िंदगी और है अगर प्रभु ने आपको चुन लिया है प्रभु आपको पश्चाताप की ओर लेके जाएगा उसमें वो पीड़ाओं का इस्तेमाल करेगा दुख का इस्तेमाल करेगा किसी व्यक्ति का इस्तेमाल करेगा शायद कोई आपका पाप पकड़ा जाए उसके द्वारा आप, आपकी यू नो you know, आपकी आपसे लोग बात करें कुछ भी हो प्रभु कुछ तो करेगा पर आपको छोड़ेगा नहीं और आपके अंदर अपने अपने पुत्र जैसा बनाने का जो काम जो उसने जो बीड़ा उठाया है वो उसे पूरा करेगा क्योंकि प्रभु आपको प्रेम करता है हमने आज कलिसिया के सुंदर जीवन के बारे में क्या सीखा सबसे पहले मेरे साथ पढ़िए कलिसिया का अगवापन एक से अधिक लोगों के पास होना चाहिए दूसरा कलिसिया के अगवे मसीह और कलिसिया के लोगों के दास अर्थात गुलाम होते हैं तीसरा कलिसिया के लोग परमेश्वर के पवित्र <ग्णाओं> जन होते हैं चौथा कलीसिया की देह उसके लोगों से सेवादारों से और अगवों से बनती है पांचवा कलीसिया के लोगों कलीसिया के अगवों को हमेशा लोगों को आशीष देनी चाहिए उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए छठा कलीसिया के लोगों को सुसमाचार का सहभागी होना चाहिए सातवा कलीसिया के सदस्य सदस्य सुसमाचार के द्वारा परिपक्व होते जा रहे हैं और परिपक्व हो, okay. हो जाएंगे इसलिए क्या करें कलीसिया के महत्व को समझें चर्च के साथ खेल मत खेलें आज इस चर्च 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 कल उस चर्च, उस परसों चर्च, एक चर्च चुन लो वहीं पे जाओ कलीसिया को समझें स्थानीय कलीसिया का हिस्सा बन जाएं स्थानीय कलीसिया में समर्पित रहें अपने विश्वास के जीवन को प्रतिदिन बढ़ने में समर्पित बढ़ाने में समर्पित रहें कलीसिया के अगुओं का आदर करें और उनको उनके उनकी अधीनता में रहें, कलीसिया के के साथ काम करके सहभागी और सातवा विश्वास रखें कि प्रभु आपके जीवन में काम कर रहा है और वो आपको वो बनाएगा जो वो बनाना चाहता है हालेलुया क्या आपको प्रभु के वचन से हिम्मत और साहस मिला आज हालेलुया आइए प्रभु को धन्यवाद दें समाप्त करेंगे